हेलो पिलामाने, समस्त को स्वागत करुछि पुनी एक नुआ क्लास को जहाँकि तुम मानको अनेक किछि सिखिबार मध्य अछि एही टॉपिक रे जहाँकि तुम मानकर इतिहास चतुर्थ पाठ रही आम आज देखिबा। दया करी तुम मैने गोटे काम कर जे मो सहित तुम मैने शेष जाए रुह कौन आउ थरे मो सहित तुम मैंने शेष जाए रुह जहाद्वारा कि तुम मैंने बहरे थिबा प्रश्न उत्तर सहित किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि तुम मान बहर बाहर तुम मैंने देखिपार केमी मार्क कर रखी आई मार्क करने सहित मुझको क्वेश्चन गुड़ा कही कही जी तुम्हें मैंने बिलकुल भी भूल धारण में रुह ना जे बहरे जो अनुशीलन तुम प्रश्न अच्छी से ही प्रश्न ही तुम मानक एग्जाम पचार बही भितर प्रश्न पचार बही भितर प्रश्न बेसी इम्पोर्टेंट मुझे रखुची आेणु मु बही भितर समस्त प्रश्न को धाड़ी धाड़ी करी सबू प्रश्न मु तुमको कही कही जी आम विषय शशि शेष कर बेलू तुम मैंने पोखत हो जाए चतुर्थ पाठ में भारत छाड़ आंदोलन और एडार भूमिका तेणु तुम मैंने कौन कर शेष पर्यंत वीडियो को देखो जदि लंबा वीडियो जदि हो जाए जदि बोर लगे तारे तुम मैंने तले जो टाइम पॉइंट उपरे क्लिक करी गोटे पर गोटे देखिपर ना वीडियो को ये पॉज करकी नेक्स्ट गोटे टाइम आसिक तुम मैंने देखिपर बंद करकी ठीक अच्छे तेणु चेष्टा करवा विषय को पूरा संपूर्ण सारे जदि न सरल तो सेकेंड पार्ट में कम्प्लीट करवा ठीक अच्छे तेणु आरंभ करवा जो भारत छाड़ आंदोलन और तार प्रभाव एवं एथिरे ओडिसार कौन भूमिका रही भारत छाड़ आंदोलन एवं ओडिसा रे तार भूमिका तेणु ये प्रथम आमर आरंभ हो गला जे प्रश्न कौन प्रश्न प्रथम आरंभ हो गला ना ये देख भारत छाड़ आंदोलन थिला ब्रिटिश शासन विरोध में महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन ताले महात्मा गांधी शेष गण आंदोलन ब्रिटिश विरोध में केउटी थिला ताहा हेउची भारत छाड़ आंदोलन ठीक अच्छे तापर भारत स्वाधीनता संग्राम महात्मा गांधी इंग्रेज सरकार को भारत छाड़ा आह्वान करते तुम मैंने तो यह जाच किंतु अगस्ट मासरे कौन आउ थे अगस्ट मासरे होइथिबा जो गण आंदोलन तीव्रता और व्यापकता एते अधिक थिला जे इतिहास रे आकु कौन कह जाए ना अगस्ट विप्लव बोली कह जाए ताले अगस्ट विप्लव केउ आंदोलन को अगस्ट विप्लव नाम नामित तो करा जाई छी अगस्ट विप्लव नाम परिचित ताकि भारत छाड़ आंदोलन उत्तर पाईल तुम मैंने नेक्स्ट देखो आंदोलन पृष्ठभूमि भारत छाड़ आंदोलन इतिहास इतिहास पढ़ुचे ना तेरे इतिहास जेहेतु गोटे गल्पर गोटे पार्टी तो प्रथम पृष्ठभूमि जाणी ना कहीं भारत छाड़ आंदोलन ताला लंग क्वेश्चन भी तो लिखार अच्छी ना तेणु लंग क्वेश्चन एमती बुझी बुझी जावा श्रेयस कर अर्थात भल आ सहित सर्ट क्वेश्चन मुझे तुम मन लिखि रखी बिल्कुल भी तुम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं पार आहत लिखि किंतु माने नुहे वीडियो को पॉज करी आगे आगे की स्किप करी शुणी दबो शुणब तो ना खाली स्क्रीनशॉट नहीं नब पाने एक्सट्रा इनफर्मेसन दौर तो क्वेश्चन दौर जहाँ तुम मैंने खात कपी में नोट करके तेणु तुम मैंने बिलकुल भी व्यस्त न हो कि एकदम धीरे कि कान में इयरफोन लग बसी जाओ वीडियो को मोबाइल को धरी जदि इयरफोन ना तो भी गोटे शांत स्थान परिवेश को वीडियो को देखा मूल शेष जाए आरंभ कर धैर्यर सहित कहीं इतिहास खूब सुंदर विषय आनंददायी गल्प ही ना तेणु गप शुणा भाया लगे तेणु प्रथम आंदोलन पृष्ठभूमि तो जानवा जरूरी ना तेणु कहीं भारत छाड़ आंदोलन होता कहीं लंग क्वेश्चन लिखापी तुम मानक ये सब मन रखा जरूरी सर्ट क्वेश्चन तो मुझे तुम मैंने क्लीयर हो वीडियो सरला बेलू संपूर्ण विषय सहित लंग क्वेश्चन ये पृष्ठभूमि की मन रखा जरूरी भारत छाड़ आंदोलन पृष्ठभूमि कौन थी भारत छाड़ आंदोलन घटवार कारण मान लेख एमतीका क्वेश्चन पक पारे तेणु तुम मैंने कौन कर ना देख यू आरंभ कर 1939 ख्रीटाब्द सेप्टेम्बर तीन तारीख में ब्रिटिश सरकार जर्मानी विरोध में युद्ध घोषणा करदे जर्मानी विरोध में युद्ध घोषणा जहाँकि विश्वजुद्ध द्वितीय विश्वजुद्ध आरंभ होता यह सहित आरंभ होता भारत स्वाधीनता संग्राम द्वितीय अध्याय कहीं ना ये जो 1939 मसीह जो भारत जिते ब्रिटिश शासनाधीन था तेणु ये कौन कले ना ये जो ब्रिटिश सरकार जे भारतीय लोक मान सहित किसी आलोचना न करी एक तो युद्ध घोषणा करदे सहित जो भारत जो सैन्य मैंने से सब समस्त को आलर्ट कर दिगला समस्त जा विश्वजुद्ध लड़े कि भारतीय मैंने कहीं विश्वजुद्ध लड़े भारतीय तो बर्तमान ब्रिटिश मानक अधीन तेणु भारत मान भारतीय मान अन्य देश मान सहित कौन सी भी
खराब भावना ना कि शत्रुता तेनाली कहीं से युद्ध लड़े तेणु बल्लार्ड से किए थे ना लॉर्ड लिथगो तेणु जातीय कांग्रेस किंवा कौनसी नेतृबृंद सहित कौन सी आलोचना करिन थिले जहाद्वारा कि सेमानक मनर गोटे क्षोभ सृष्टि होला आ मित्र शक्ति पक्षभूत करथिले तेणु ये जो बारंबार मित्र शक्ति कहुची मु तेणु मित्र शक्ति किए किए ता मु तुमको खिलाफत आंदोलन पढ़ुला बेले डिटेल रे कहिथिले विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध द्वितीय विश्वयुद्ध विषय में डिटेल कहिथिले जे तुम मैंने देखिनाओ ताल देखिनियो आ जे जानिस ताल मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करो। देखो तापर 1939 सेप्टेम्बर 14 तारीख रे भारतीय कांग्रेस एक प्रस्ताव ग्रहण कला जेते दिन पर्यंत इंग्रज सरकार भारतीय को निज संविधान प्रणयन करने निम्ते संपूर्ण क्षमता न देचंती एक जनप्रिय शासन प्रतिष्ठा करने सम्मत न होती से पर्यंत भारतीय माने मित्र शक्ति को कौन सी प्रकार साहय प्रदान करेंगे ना तेणु या द्वारा कौन है 1939 लक्ष्य कर पे प्रश्न यू बनुच्छे 1939 अक्टोबर 22 तारीख में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में केवे आउ थे 1939 अक्टोबर 22 तारीख में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में सरकार घोषणा को दृढ़ निंदा करागला ताले केते मसीह जापार सहित 8 प्रदेश में अवस्थापित कांग्रेस मंत्रिमंडल को इस्तफा देवाई निर्देश दिगला तापर यही मध्य द्वितीय विश्वयुद्ध सफलता हासिल करितला जर्मानी त्वरित बेगर सफलता हासिल कला कि इंग्लैंड हारी हारी चली था से कौन है ना जातीय कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी जो बैठक है सेटी दुईट सर्त ब्रिटिश सरकार को साय्य करने निष्पत्ति निगला कहीं गांधीजी टी मान प्रति ब्रिटिश मान प्रति टे ढली पड़ते टी मनोभावना टी प्रति कोहल हो जाता जो कि कहले कौन ना दुईट सर्त ब्रिटिश सरकार को साय्य करवा किए भारतीय मैंने साय्य करेंगे प्रथमटी कौन थी प्रथमटी कौन थी देखनी प्रथम सर्तटी थी युद्ध समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करेंगे द्वितीयटी थी कौन ना तत्क्षणात समस्त दल प्रतिनिधि को दे एक अस्थायी जातीय सरकार गठित जातीय सरकार अवस्थापित होंग्रेज मान मंजूर नाला तेणु से कौन कले ना अगस्ट दान अर्थात किसी दान भिकर दे भाया किसी इंग्रेज सरकार मैंने भारतीय मान कि सुविधा देवा चाहिए ये तो देनी जो कंडीशन आगे रखा जाता से कंडीशन दे कि कौन देने ना किसी दान दिखाई के मसीहार ना 1940 भेरी भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन 1940 अगस्ट 8 तारीख में जहाँ कौन कह जाए ना अगस्ट दान परीक्षार प्रश्न पके अगस्ट दान कहले कौन बुझे अगस्ट दान के मसीह दि जाइला 1940 अगस्ट मस 8 तारीख दिन आउ दि जाइए अगस्ट दान सुविधा गुड़िक तीन मार्किया क्वेश्चन पकाए कौन कौन ना प्रथमता हूँ जे भारत को एक नंबर पॉइंट जे भारत को स्वायत्त शासन क्षमता प्रदान करवा द्वितीय भारत संविधान प्रणयन सांविधानिक सभा गठन करवा तृतीय समस्त राजनैतिक दल प्रतिनिधि मान अंतर्भुक्त कर बडलाट कार्यकारिणी परिषद प्रसारण करिबा चतुर्थरे जो ब्रिटिश शासनाधीन भारत रे देशीय राज्य मानंकर प्रतिनिधि को नहीं एक युद्ध परामर्शदाता परिषद गठन एवं भविष्य रे सांविधानिक परिवर्तन संख्यालघु मानंकर मत प्रति गुरुत्व प्रदान किंतु यही घोषणा कांग्रेस किंवा मुस्लिम लीग कहारी को पसंद नथिला तेणु से माने कौन कले प्रत्याख्यान कले यहाँ गांधीजी कौन कले ना व्यक्तिगत सत्याग्रह आउ थे पे मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कले तेणु व्यक्तिगत सत्याग्रह किए आरंभ कले ना गांधीजी बिहार प्रथम सत्याग्रही हेबार सौभाग्य किए अर्जन करते ना विनोवा भावे जहाँ तुम ये देखिपार जे 1940 अक्टोबर 17 तारीख में जमी से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कले 1940 अक्टोबर 17 तारीख में पानाउर ठारे सत्याग्रह आरंभ करते क्योंटि सत्याग्रह आरंभ करते विनोवा भावे ना पानाउर ठारे गिरफ हेले से गिरफ है जवाहरलाल नेहरू हेले किए ना द्वितीय सत्याग्रही प्रथम सत्याग्रही द्वितीय सत्याग्रही ये सबको मन रखा चेष्टा करो तापर जदि आम देखा पे मैंने कौन अच्छी देखो सेकेंड पेज रे किसी तापर तो देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह चलला 1941 सुधा प्राय 25,000 ऊर्ध सत्याग्रही गिरफ होते समग्र विश्व लंडन को निंदा कला इंग्लैंड को निंदा कला अमेरिका चीन ऑस्ट्रेलिया समस्ते भारतीय मान दाबी पूरण करने ब्रिटिश सरकार उपर चाप पकेले एहा व्यतीत इंग्लैंड जनसाधारण कि इंग्लैंड लोक थे जो मैंने भारतीय मान को ये सब सुविधा देवाई राजी थे तेणु सेत इंग्लैंड तत्कालीन प्रधानमंत्री किए थे ना प्रधानमंत्री विंस्टन चर्च
ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ 1942 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗଠିତ ହେଲା ନା ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇଲେ ଯେ କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁବିଧା ଦେବା ଜରୁରୀ କ'ଣ ଏବେ ସେ ଭାରତରେ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବା ସେ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଅଛି କି ବା କେଉଁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏସବୁ କିଛି କ'ଣ ସେ ଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଏଇ କମିଶନଟି ତା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା ସଦସ୍ୟତାରେ କାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେବେ ନା 1942 ଏଇଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ଏ ଦେଖ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ତା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ହବ ଭାରତ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ରହିକି ନିଜେ ଶାସନ କରିବ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକି ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ଭାରତକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ରୁଲ୍ କରିବାର ଆଶାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେମିତିକି ଭାରତବାସୀ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଧିକାର ତ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଦେଶ ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିପାରିବ କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ ନା ଯେ ଅଧିକାର ତ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରହଣ ନକଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଇଂରେଜ ଶାସନ ଲାଗୁ ହେଇଯିବ ସେଠି ତାପରେ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହ୍ନି ଜାଗରୁକ ହେଇକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦଳ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଭୋକ ଅନାହାର ଇଏ ସବୁ ନୈରାଶ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ସବୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ଼ କ୍ରିପ୍ସ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମେମାନେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥିଲା ପୁରା ପୃଥିବୀ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ କ'ଣ କଲେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କଲେ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କେତେ ମସିହାରେ 1942 କେଉଁଠାରେ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ କେଉଁଠାରେ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1942 କେତେ ତାରିଖରୁ କେତେ ତାରିଖ ନା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ତେଣୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ତୁରନ୍ତ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆଉ 1942 ତାହା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିଲେ ଯାଇକି ଠିକ ଏକ ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷକ ତୁମକୁ ଦେବେ ତେଣୁ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲି ବମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିପାରିଲ ତ କେବେ ଅଫିସିଆଲି କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ନା 1942-7 ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ନା ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ହୋଇଥିଲା ତା କେତେ ତାରିଖରେ ନା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ 1942 ତେଣୁ ଏଥିରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1942 ଓବିଅସ୍ଲି ହୋଇଥିଲା ନା ତେଣୁ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଆଗାମୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ କିଏ ନା ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଓକେ କେଉଁଠି ନା ବମ୍ବେଠାରେ କେତେ ତାରିଖରେ ନା 7 ତାରିଖରେ କେତେ 7 ତାରିଖ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ତେଣୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କିଏ କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାହେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଆଗତ କରିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କିଏ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଆଗତ କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଉ ଜଣେ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେମିତିକା ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତାହେଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାହେଲେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ ତେଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ
तमें गांधीजी देशवासी को उद्बोधन दे कहले कौन ना स्वाधीनता आमर प्राप्य एक भी क्वेश्चन बनुचे एठू ना स्वाधीनता आमर प्राप्य कि किए कहार प्राप्य हो कहार उक्ति ना गांधीजी कौटी ना भारत छाड़ आंदोलन एथपाय ये तो तुम मैंने जानी कर बा मोर ए किए दे ये ना गांधीजी ही देते भारत छाड़ आंदोलन तेणु कौन सब कार्यक्रम रही भारत छाड़ आंदोलन से ही सेम कथा ही कौन ना भारत छाड़ आंदोलन निम्नलिखित कार्य मान कौन निम्नलिखित ये सब यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट तुम मैं कही रखुच्छे पे तेणु या तुम्हें मैंने नेग्लेक्ट बिलकुल भी कर ना या भल भाव में मन रखा चेषा कर इंपोर्टाट परीक्षा बार बार पचारे प्रश्न जो कार्यक्रम कौन थी भारत छाड़ आंदोलन ते श्रमिक कृषक मैंने भू राजस्व देवा बंद करेंगे प्रथम हूँ भू राजस्व दिजिव नापर कौन करेंगे ना इंग्रेज कर्मचारी जो मैंने से एरिया थे कौन सी खाद्य पदार्थ बिक्री करापर कागज नोट जे मैंने कि इंग्रेज मैंने छपाऊ के ग्रहण करा रास्ताघाट जान बाहन टेलीग्राफ ए सब कु अचल कर दिजिव जहाद्वारा कि कौन करेंगे ना सैन्य मान रोका जाई परिबो थाना कोर्ट जेल खाना को भारतीय मानक आयत रखा जीवो तेणु जहाद्वारा कौन हम ना इंग्रेज मानक आधिपत्य ह्रास पाइबो तापर कौन ना साधारण जनता अहिंसा मार्ग ग्रहण करेंगे सबुठ बड़ कथा हूँ गांधीजी डाकरा जेहेतु होता अहिंसा मार्ग ग्रहण करने को समस्त को प्रस्ताव दि जाइए तेणु यह प्रस्ताव गृहीत होगा 1942 अगस्त 9 तारीख दिन महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटर सदस्य मान सरकार गिरफ्त करे तेणु 8 तारीख बेले जिते बेले भारत छाड़ आंदोलन करने को निष्पत्ति ने 1942 पुणी तापर दिन समस्त को सबू जिते भी नेता थे बड़ बड़ नेता समस्त को गिरफ्त कर निगला जदि प्रश्न करे जे केते मसीहारे कांग्रेस कार्यकारी कमिटर सदस्य मान सरकार गिरफ कले 1942 अगस्त 9 तारीख ताले से गिरफ होता प्रथम नेता गांधीजी को केउठारे रखा जाइतला ना आगा खां पैलेस रे पुणे ठारे आगा खां पैलेस रे बंदी कर रखाला क्या गांधीजी को आउ अन्य माने जे कि जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम एम को कौटी रखाला देख जे से तत्कालीन बॉम्बे प्रदेश रे अहमदनगर दुर्ग रे रखा गला केउठी ना अहमदनगर दुर्ग रे किंतु राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांकू कोड रखा गला ना पटना ठारे बंदी करी गिरफ करी बंदी करी रखा गला तेणु जातीय कांग्रेस को बेआईन मध्य घोषणा कर दिगला तेणु तो सब आंदोलन तुम मैंने देखु जातीय कांग्रेस को बेआईन घोषणा करुँचे से ही कलेपर जनसाधारण नेतृत्व भी नहीं पड़े कहीं सब नेता नहींकि जेल भितर रखीदे तेणु से सरकार दमन नेला को एक आह्वान रूपे मन कले लोक मान मन जहाँ जहाँ आसला से सब से लागि पड़िले तेणु समाजवादी दल नेता माने जथा जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया अरुण आशापल्ली ये सब प्रमुख भूमिका ग्रहण करते क्योंथिरे ना भारत छाड़ आंदोलन कहीं मुख्य नेता मानक जेल भितर पकईंट तेनाली व्यापकता केमी व्यापी केमी ना महाराष्ट्र रे ये आंदोलन शुभारंभ होता मुंबई ठारे जहाँकि वायरलेस केन्द्र मध्यम भारत छाड़ आंदोलन संवाद प्रचारित होता तेरे क्योंठे भारत छाड़ आंदोलन शुभारंभ कर महाराष्ट्र ठारे बुझिपार ना ना कौन कृषक मैंने थाना घेराव कले ऑफिस आयत्त कले कर्णाटक सेमती ये सब आंदोलन सब होता जहाँकि हुए आंदोलन तुम मैंने यहाँ पढ़ी पार जहाँकि लिखा जाइए ओके तेनाली किसी इंपोर्टाट ना किंतु 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 देख सबुठ बिहार रो गुरुत्वपूर्ण कार्य घटी भारत छाड़ आंदोलन समय रे पटना सचिवालय पटना जो सेक्रेटेरिएट थिला ता जातीय पताका उत्तोलन कले के 1942 अगस्त 11 छात्र माने पटना सचिवालय पूर्व द्वार रे जातीय पताका उत्तोलन करदे यहाँ हूँ परीक्षा प्रश्न पकेब जदि बिहार रो सबुठ गुरुत्वपूर्ण घटना जहाँकि भारत छाड़ आंदोलन समय घटी तहार कौन ना सचिवालय जातीय पता का उत्तोलन आउ बिहार सबुठ घटी गुरुत्वपूर्ण घटना जैकि सचिवालय जातीय पताका उत्तोलन ताहा केते तारीख रे घटी 1942 अगस्त 11 तारीख रे ओके तेम बिल्कुल भी कन्फ्यूज हेनी 11 तारीख रे देखो केमती क्रमान्वय आसी जा 6 रु 14 जो कार्यकारिणी बैठक थिला तापर आसला केबे ना अगस्त
केते ना 7 तारिख रे मौलाना अबुल कलाम आजाद डिक्लेयर कले 8 रे पूरा फाइनल डिक्लेयर हे गला जे भारत छाड़ आंदोलन हेबो तापर एमिति एमिति 11 तारिख बेळ को देखो केते मात्र व्यापी आसलानी आ पटना सचिवालय रे जातीय पताका उत्तोलन होई गरानी आ देश रे भितरे गोटे भारत छाड़ आंदोलन जातीयतार बन्नी मध्य जागृत होई गलानी तापर देखो कोन हेछि ना आसाम रे विपुल विमान ए सब प्रेरित खाद्य द्रव्य को नष्ट कर देले भारत छाड़ आंदोलन आउरी तीव्र हेला भारत छाड़ आंदोलन गण आंदोलन भारत जे जो किछि अंचल महाराष्ट्र आरंभ होता गण आंदोलन प्रत्येक लोक मानते आरंभ है शोभायात्रा सभा समिति है तेणु सरकार दमन प्रक्रिया तो रही ही भितर तेणु दमन प्रक्रिया जेहेतु रहा तेणु अमानसिक पदक्षेप जो पाइले गुड़ी चाला कले जो पाइले लाठी प्रहार कले तेणु ये सब कम सब जारी रहा सरकार निष्ठुर आक्रमण कल्पनातीत विप्ल मृत्युवरण कले तेणु बहुत आक्रमणात्मक हो जाता सरकार ब्रिटिश सरकार तेणु प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटिश हाउस ऑफ कमन्स 10 सेप्टेम्बर 1942 रे घोषणा कले जे भारत छाड़ आंदोलन को दमन करा जाई छी किंतु जहाँ की प्रकृत रे होई नथिला तेणु आंदोलन प्रशमन कारण कौन थिला धीरे 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 चली थिला तथापि किंतु कारण कौन थिला प्रशमन कारण कहीं प्रथम नेतृत्व मानक नेतृत्व बृंद जो मैंने थे नेता मैंने से कौन ना गिरफ कर दिगला कहीं नेतृत्व प्रपर जदि लीडर नए तो कौन सी भी आंदोलन सफल हो पार ना तेणु अभाव तेणु स्वतप्रत भाव निज विचार अनुजाई आंदोलन चालू रखा संभव है ना तेणु जमीदार देशियों राजा ये व्यवसायी मैंने समर्थन देना कहीं से सरकार पटे रही ना ना लस तेणु से सरकार पटे रहा लगे तेणु आंदोलन तात्पर्य आंदोलन कौन गला आंदोलन तो होगा सफल तो हो पारा ना समस्त गिरफ्त करने कि तथा भी किसी प्रभाव पकईला कौन देखा विभिन्न प्रकार दुर्बलता सत्वे भारत छाड़ आंदोलन इंग्रेज सरकार को संपूर्ण रूपे दोहलाई देला ओके पूर्ण स्वाधीनता दिग्क बाट मध्य फिटीला तेणु भारत छाड़ आंदोलन को भारत छाड़ आंदोलन को 1799 रे हेतिबा फरासी विप्लव ओके आउ 1770 रे रूस विप्लव सहित तुलना करा जाए तेणु 1779 रे फरासी एक विराट विप्लव होता जहाँ फरासी विप्लव नाम दि जाए 1970 रूस विप्लव होता जहाँ रूस विप्लव नाम दि जाए कहीं स्वाधीनता तेणु भारत छाड़ आंदोलन से ही अनुसार से बड़ा बोली यांको सहित तुलना करा जाई तेणु इतिहास यह स्वतंत्र स्थान अधिकार करी तेणु यापर देखिवा कौन भारत छाड़ आंदोलन में ओडिशार भूमिका कौन थिला ओडिशार भूमि ओडिशा तो निहाती बाद जीवनी कहीं ओडिशा जेहेतु आम ओडिशार पिला तेणु ओडिशार कौन भारत छाड़ आंदोलन होता आम आखि आगे नजर रखा निहाती जरूरी तेणु जेहेतु तुमने अलग अलग एरिया पिला सब देखु किए कोरापुट किए रायगढ़ किए कन्धमाल किए कटक्रु किए भुवनेश्वर किए बालेश्वर अच्छी तो किए भद्रकु अच्छी तेणु समस्ते ये अंचल कथा सब लेखा जाए तेणु तुम मान अंचल किए कौ अंचल पिला जदि जो ऐतिहासिक स्थानी कई होते मतलब कमेंट निश्चित कमेंट कर पाने भारत जो भारत छाड़ आंदोलन ओडिशार भूमिका कौन थी आग को देखा तेणु भारत छाड़ प्रस्ताव ग्रहण होगा भारत विभिन्न अंचल मुंबई ठार समबत होता कांग्रेस नेता मान गिरफ्त कर कौटी ना अहमदनगर जेल पुरे दिगला जे मैंने जाते सब कांग्रेस मीटिंग रे जोग दबापाई सब अंचल जाते पूरा भारत सारे जाते तेनाली सब बंदी कर दिगला आउार किए किए जाते ना मालती चौधरी आ सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी मालती चौधरी ये दुईज अगस्ट 11 तारीख में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन जोगदे ओडिशा फेरिले तेणु प्रश्न पड़े परीक्षा किए 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 मुंबई में होता कांग्रेस अधिवेशन में जोग देते भारत छाड़ आंदोलन होता कांग्रेस अधिवेशन में ना मालती चौधरी आ सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी मन रहा पी मैंने किए ना मालती चौधरी आउ सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तेणु तापर देख ओडिशा रे ये सब यांकरी ओडिशा आहुरी तीव्रतर है कौन ना भारत छाड़ आंदोलन किसी कार्यक्रम तो निहाती भाव में स्थिर कर भारत छाड़ आंदोलन में ताकि कौन ना प्रथम हूँ खजना बंद करवा तेणु भारत छाड़ आंदोलन जेहेतु हूँ इंग्रेज सरकार तेणु इंग्रेज मानक कहीं खजना कर खजना दवा तेणु बंद कर दिगला प्रथम हूँ कर खजना बंद ये इंपोर्टेंट जदि परीक्षा प्रश्न पकाए जे ओडिशा रो भारत जो भारत छाड़ आंदोलन ओडिशा रो भूमिका बेले होता कार्यक्रम मान संपर्क वर्णना कर तो मैंने प्रत्येक ये पांच छोट छोट पॉइंट लिखिदेव पांच मार्क नहीं कि परीक्षक ठार छड़ेकि नहीं पलि आस ठीक अच्छे तो प्रथम है कौन ना खजना को बंद करवा सरकारी गोदाम को लुंठन करवा तेणु सरकारी गोदाम गुड़िक लुंठन कर जहाद्वारा सरकार को जेकोसी गोटे किलबिल करवा गोटे सरकार को जमीन किलबिल कले
कौन ना छाड़ी पलैबे तेनाली डरेले सब प्रकार जिते जहाँ आम शिखीचे सब प्रकार टेक्निक यूज करागला तेणु ताऊ कौन होता ना जंगल आईन भंग करवा जंगल आईन जो करते से भंग कर जंगल विभिन्न प्रकार जिनस द्रव्य चोरई ना ता सहित शिक्षा अनुष्ठान बंद कर दिगला जोजोग विच्छिन्न करा जहाँकि भारत जहाँकि जितिय कार्यक्रम था लोकाल कार्यक्रम अर्थात आंचलिक कार्यक्रम से छोट छोट पॉइंट देख धर्मघट पालन कले पंचायत गठन कले सरकारी आईन अमान्य करवा सरकारी कर्मचारी को खाद्य द्रव्य जोगाई बंद करदे तेज ये सब सेम ही तेणु सरकार कर्मचारी को आंदोलन में जोग देवाई प्रवर्तवा तेणु यार व्यापकता केमी ओडिशार व्यापकता केमी देख तेणु यही कार्यक्रम गुड़िक ओडिशार भारत छाड़ आंदोलन व्यापक होता निश्चित आउ रेभेन्सा कलेज सम्मुखें रेभेन्सा कलेज जान कटक सम्मुखें छात्र मैंने सभा कर भारत छाड़ आंदोलन में भाग नेवाई निष्पत्ति नहीं छात्र नेता से समय किए थे ना विभुधेन्दु मिश्र अशोक दास सूरजमल साह बीरेन मित्र ये सब थे सब बड़ बड़ छात्र नेता जो मैंने कि चाकरी छाड़ी आंदोलन जोग देवाई लोक मान प्रवर्तले गोटे इंपोर्टाट पॉइंट अच्छी कौन ना पुलिस मुकाबिला करने केतोटी बाहन गठित होता जमी स्वराज आश्रम से गठित होता के मत कमेंट कर जे एटी है ना रक्त बाहन संग्राम बाहन मरण बाहन एमती सब बाहन सब दल सब गठन हो कि इंग्रेज सरकार विरुद्ध लड़ाक आरंभ कले तेना कटक जिलार गोटे कईपड़ा जगह अच्छी कौन ना कईपड़ा कई जदि कईपड़ देखु था कटक जिलार मत कमेंट कर आम निहाती गोटे क्लाब दबा जहाँकि गर्वित तेणु कईपड़ा एक अमानसिक घटना घटी कौन ना गोपबंधु चौधरी और रमादेवी गिरफ खबर शुणापर बरी अंचल लोक मैंने अत्यंत उत्त्यक्त हो 1942 अगस्त 17 केवे ना अगस्त 17 कईपड़ार जो डाकघरे निआ लगे किए ना गोपबंधु चौधरी आ रमादेवी को जमी गिरफ करा दिगला तेना आंदोलन क्रमश तीव्रतर है आहरी जोर जोर है तेणु से कौन है निहाती कर्फ्यू लगेदे पिटापिटी करेंगे से ही है जहाँकि जहाद्वारा कि तीन जन मृत्युवरण कले जो थे आउ सात जन आहत है तेणु कईपदारु सत्याग्रही मान गिरफ कर जाजपुर निगला तेल कईपदारु कईपड़ जो गिरफ सत्याग्रही मान जाजपुर किए अच्छा मतलब कमेंट कर जाजपुर निगला कईपदारु सत्याग्रही मान से सभा समिति पर निषेधाज्ञा करागला सरकारी आदेश अवमानना करे के 1500 पखापाखि लोक अवमानना करी चलिए सहित पुलिस तो गुड़गोला चालू रखिला लुह भुआ ग्यास ये सब जारी ही रखी था पुलिस बंद ही करा देख बालेश्वर में कम ना बालेश्वर किए अच्छा मत कमेंट कर दि जदि किए थी तेना बालेश्वर कौन थी ना भद्रक निकटस्थ भंडारी पोखरी से भद्रक ना पे बालेश्वर ही जाऊला बर्तमान सीना भद्रक ही जाइए तेना भद्रक निकटस्थ भंडारी पोखरी ग्राम से 1942 के अगस्त 17 5000 लोक थाना आक्रमण कले सरकारी कागजपत्र नष्ट करदे ग्रामवासी मैंने ग्राम को जीवा लंग क्वेश्चन पे पकई पारे तेणु भारत छाड़ आंदोलन बालेश्वर भूमिका बालेश्वर अंचल भूमिका देख केमी ग्रामवासी मैंने ग्राम को जीवाक एकम्र पोल को भांगी दे सब गोटे गोटे पॉइंट कर तुम मैंने लिखिपर तापर कौन है देख ना 2000 टंका जो 12 ग्राम को 2000 टंका जोरीमाना होता कौन पाई ना से जो गोटे मात्र पोल से से ग्राम को जीवापी ताको कौन कले ना भांगी दे बुझीपार तेणु ये घटन किए किए गिरफ हेले ना सत्याग्रही जगन्नाथ दास आउ किए ना द्वारिका दास यही दुईज गिरफ हो गले तापर भंडारी पोखरी घटना पर धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को गतिशील कराइले किए ना मुरलीधर पंडा तार भंडारी पोखरी घटना धामनगर ठारे भारत छाड़ आंदोलन को किए गतिशील कराइले ना मुरलीधर पंडा तेणु श्रीजंग किए थे ना चौकीदार पोशाक पोड़ा खबर पाई पुलिस जाइला और जग जाऊ कौन है असुविधा किसी ना तेणु सेठे 1942 सेप्टेम्बर 21 पुलिस गुड़ी चाला करने फल केत मरीगले सेठी ना 10 बा 11 जन तेणु श्रीजंग ठारे 1942 सेप्टेम्बर 21 पुलिस गुड़ी चाला करने फल केतेज व्यक्ति प्राण हर 10 बा 11 जन प्राण हर बाकी तारीख मन रख 1942 सेप्टेम्बर 21 तारीख में कहीं इतिहास मसीहा तारीख तो निश्चय पचारे तेणु ताको ध्यान दे रख अच्छा पिला तुड़ी गढ़िया बालेश्वर जो मैंने
अच तुड़ी गड़िया नाम निश्चित शुणी खईरार नाम निश्चित शुणी थो तेणु तुड़ी गड़िया और खईरार सत्याग्रही मान दमन करने गुड़ी चाला कला किए ना इंग्रेज जाति भारत छाड़ आंदोलन समय एक दुखद घटना है कौन जान पे इरम इरम जो गुड़िकाण्ड जालियानावालाबाग कहुए जे जो लोक मैंने से वासुदेवपुर इरम ठारे जो कर न देवाई प्रतिज्ञाबद्ध हो गोटे मीट करुले उ सेप्टेम्बर अठाई तारिख में डेटा मन रख भेरी भेरी इंपोर्टाट उयास सेप्टेम्बर अठाई तारिख में मेलन पड़िया इरम मेरम मेलन पड़िया जदि कई जाइव इरम रू जदि कई देखु था मत कमेंट कर से मेलन पड़िया कौन है ना से मीटिंग करुले जोटि बाहरी जावाई गोटे मात्र रास्ता था जालियानावालाबाग भली तेणु एटी डीएसपी को निर्देश रे गुड़ी चाला कर फल परी बेउआ नामक महिला समेत अठाई जन शहीद हो जाते अठाई जन शहीद हो जाते पंचावन जन आहत होते तेणु यह जालियानावाग हत्याकांड सदृश थी तेणु यह कौन कह जाए ना रक्त तीर्थ तेणु परीक्षा जब प्रश्न पड़े रक्त तीर्थ क्या कह जाए पे तो मैंने उत्तर में लिखे कौन ना इरम वासुदेवपुर इरम को रक्त तीर्थ कह जाए द्वितीय जालियानावालाबाग क्या कह जाए ना इरम से केते जन शहीद होते अठाई जन केते जन आहत होते पंचावन जन तेणु ये सब कथा तुमने ध्यान रे रखिबो तेणु बोईपारीगुड़ा लक्ष्मण नायक कथा तो तुमने पंचम श्रेणी पढ़ी पढ़ी आसीच तेणु बोईपारीगुड़ा थाना अंतर्गत तेतुली गुम्मा ग्रामर लक्ष्मण नायक कोरापुट जिले भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं थे देख उगस्ट 21 तारीख में कांग्रेस पताका और लाठी धरी बहु लोकों सहित माथिली थाना घेराव करा किए लक्ष्मण नायकों नेतृत्व में महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय ध्वनि चौदिग प्रकंपित होता है पुलिस माने मध्य सेठी गुड़ी चाला कले पांच जन व्यक्ति मरीगले तापरे जड़े जंगल रक्षी को पिटी पिटी हत्या करथिबा मिथ्या अभियोग लक्ष्मण नायकों को गिरफ्त करा मिथ्या अभियोग लक्ष्मण नायकों को गिरफ्त करा जंगल रक्षी को पिटी पिटी मारिदेवा हत्या घटन लक्ष्मण नायकों को गिरफ्त करेल को पठाइले ना ब्रह्मपुर जेल को केते मसीहारे फांसी दिगला ना 1943 मसीहा मार्च 39 तारिख में जहाँ तुम आगर पढ़ीच तापर 1942 आंदोलन फांसी पाई ओडिशा एकमात्र व्यक्ति होचंदी किए ना लक्ष्मण नायक तेना लक्ष्मण नायक को पूरा भारत ही मन रखी यही कारण पाई कोरापुट रे मध्य ये आंदोलन प्रभाव परिलक्षित होता 42 अगस्त 24 रे कौन है 42 अगस्त 24 रे ना लोक पापड़ पापड़ा हांडी ठारे थिवा टोल और थाना ध्वंस करने को जाते तेना कोरापुट रो पिला देखुछ तो मत कमेंट कर तेना कोरापुट रो बहु लोक पापड़ा हांडी ठारे थिवा टोल और थाना को ध्वंस करने को जाते कौन तुम देखी जदि कोरापुट रो पिला तारे मत टिके कह फल पुलिस गुड़ी चाला करते जन प्राण हर पे 15 जन प्राण हर तेना संबलपुर बाद जाए ना संबलपुर गड़जात अंचल जे कि तालचेर ढेंकाना आठगढ़ नयागढ़ ये सब आड़े होता तालचेर पवित्र मोहन नायक भी इंपोर्टाट तालचेर किए ना पवित्र मोहन प्रधान ढेंकाना वैष्णव चरण पट्टनायक आंदोलन नेता थे ओडिशार गड़जात आंदोलन तालचेर रे भारत छाड़ आंदोलन नायक किए थे मुख्य नायक ना वैष्णव चरण पट्टनायक आउ पवित्र मोहन प्रधान तेना 1942 अगस्त 26 रे आंदोलनकारी माने मड़ी जोटा कि मड़ी जोटा बर्तमान कामाख्या नगर कहुच्छे तेणु से कामाख्या नगर किए पिला मत किए कमेंट कर से दिन गोटे किए कही कामाख्या नगर कहूँ बोली तेणु कामाख्या नगर पिला से तेणु बहुत गर्वित फिल करवा आवश्यक थाना आक्रमण कर अस्त्रागार तहसिल अफिस् के भारत आंदोलन अर्थात जातीय आंदोलन में केते भूमिका थी तालचेर देख आशार सब जिला पाखापाखि बालेश्वर तो देख ल भद्रक तो देख ल अलग जो कटक जिला तो देख लहित तालचेर देख ल संबलपुर देख ल तेणु अनेक जिला प्राय सब जिला जिते भी अविभक्त ओडिशारे थिले से समस्ते भाग नहीं थिले खूब एक्टिवली और इंग्रेज सरकार अत्याचार दमन ओडिशावासी को विद्रोह विच्युत करा किंतु आदिवासी नेता लक्ष्मण नायकों को एथिपाई सबुदिन मन रखा जाता तेरे पाने कि ना ये इंपोर्टाट तापर रहा तो क्वेश्चन आंसर या पर देख सबकि जे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव गुड़ी को आलोचना कर कही भारत छाड़ आंदोलन प्रस्ताव किपर गृहत होता कही भारत छाड़ आंदोलन कार्यक्रम कौन थी ताकि भारत छाड़ आंदोलन दमन ब्रिटिश सरकार की पदक्षेप नहीं थे गोटी गोटी कर भारत छाड़ आंदोलन लक्ष्मण नायकों अवदान संपर्क आलोचना कर ता पाने ओके तेणु गोटी गोटी करदे मुझे तुम्हारे किसी असुविधा ना टी चेषा कर आउ थे भिडियो रिप्ले कर देखिदि भिडियो सरला देख मन रोचे कि नाई मत
कह क्वेश्चन गुड़ाक तुमने ये देखुच जो एक नंबर पांचटी क्वेश्चन अच्छी तुमने लिखा को चेस्टा कर आ मत जनाओ मुझे बाकी दुई नंबर ठार क्वेश्चन आंसर नहीं आसमी किसी व्यस्त हो आवश्यक ना आजपाई कि मत विदाय दि जदि भिडियो टी लंबा होती तो मन कष्ट कर बिल्कुल भी आवश्यकता ना तेणु तुमने काटिकाटिक देखिपार टाइम लाइन उपर क्लिक करके धन्यवाद।